हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एजाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ए टू जेड कैड एंड कंस्ट्रक्शन। और आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस ड्राइंग डाल के दिखाऊंगा, जो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया होगा। जो शुरुआत में अगर ऑटोकैड सीख रहे हैं वो लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करने के लिए वो ड्राइंग डाल के दिखाऊँगा। तो चलिए सीधे आपको बताता हूँ। लाइन कमांड ले लीजिए, ऑफसेट 9 इंचेस, फीट 9 इंचेस, से 12 फीट, ऑफसेट 9 इंचेस। इस प्लान में मैं आपको एक लिविंग रूम, एक मास्टर बेडरूम, एक किचन डाल के दिखाऊंगा। चलिए बताता हूँ आपको। ऑफसेट लिविंग रूम लेता हूँ मैं 18 फीट, 9 इंचेस। और लिविंग रूम के बाजू में किचन दे देता हूँ 8 फीट। 8 फीट काफ़ी है किचन के लिए। और यहाँ पे मास्टर बेडरूम देता हूँ, उसका साइज़ 12 फीट ले लेता हूँ। मास्टर बेडरूम हमेशा थोड़ा हमेशा बड़ा ही होता है। और वो 9 इंच ले लेता हूँ वॉल एक्स्ट्रा, जो भी है मैं ट्रिम कर लेता हूँ। मास्टर बेडरूम है ना, तो उसको अटैच टॉयलेट देता हूँ। उससे 4 फीट काफ़ी है, 4 फीट 9 इंचेस। तो देखिए, ये लिविंग रूम, ये मास्टर बेडरूम, इसके साथ अटैच टॉयलेट और ये किचन। अब मैं इसके ओपनिंग छोड़ता हूँ डोर्स के। वॉल से थोड़े थोड़ा सा हट के मैं इसके ओपनिंग छोड़ता हूँ, 2 इंच ले लेता हूँ मैं वॉल से। डिलीट करना, अब से 3 फीट ले लेता हूँ डोर्स। देखिए, लेता हूँ ये 2.5 फीट ले लेता हूँ टॉयलेट का। और मेन डोर मैं 3.5 फीट का ले लेता हूँ, क्योंकि मेन डोर थोड़ा बड़ा ही होता है। 3 फीट चेंज। यहाँ पे मैं स्टेप्स ले लेता हूँ। एक फीट ले लेता हूँ।
सॉरी दो फीट में ये ले लेता हूँ लैंडिंग। जैसे स्टेप अगर ऊपर चढ़ जाएंगे तो थोड़ा सा लैंडिंग ठहरने के लिए ऑफसेट एक फीट के ट्रेड ले लेता हूँ। तो देखिए अपना फाइनली बन गया है। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का डोर्स और विंडोज़ का पूरा डिटेल दे दूँगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।